इरिगेशन एफिशिएंसीज, और इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में अगर आपको लगता है कि ये किन एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो आपके पास खेत तक, आपके फील्ड तक जो पानी आता है वो आता कहाँ से है, ट्रेवल करके आता है कैनाल से। तो कैनाल से लेके आने तक आपके पास में, यहाँ पे आपके फील्ड के रूट जोन में जाने तक उसकी रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया जाए अगर, तो यहाँ पर आपके पास में जो एफिशिएंसीज निकल के आती हैं उसको बोलते हो तुम इरिगेशन एफिशिएंसी। तो एक एक करके जितने भी टाइप की एफिशिएंसी होती है सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और डायग्राम बोलता है आपके पास में कि ये क्या है आपके पास में, दैट इज योर कैनल। ये है आपके पास में यहाँ पर कैनल, और इस कैनल से मान लो कि आपने यहाँ पर आपका यहाँ पे ये है एक फील्ड, ओके, ये आपके पास में फील्ड का एक यहाँ पर ये आपके पास में थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया। यहाँ पे इस कैनल से पानी आ रहा था आपके फील्ड में, डायरेक्टली ऊपर से नहीं गिर रहा है, साइड से कहीं से कनेक्शन है, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। आपने बोला कि ये है आपके पास में टोटल मिला के डेप्थ, और ये है आपके पास में सरफेस एरिया। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने बोल दिया ये आपके पास में क्या है, ये रूट जोन है, ठीक है, ये रूट जोन है। ऊपर आपके पास में यहाँ पर ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया हो गया। तो दिस वन इज कैनल, कैनल के अलावा ये है फील्ड, ये है आपके पास में पानी आप ला रहे होगे। तो एक एग्जांपल दिया कि आपके पास इस कैनल से अगर मान लो कि मैंने वहां पर 200 लीटर पानी अगर यहां पर छोड़ा है, तो क्या 200 का 200 लीटर आपके फील्ड के हेड तक पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो 200 का 200 तो आपके यहां पहुंचा नहीं, मान लो कि आपके पास में यहां पर कितना पहुंचा, 150 पहुंचा, ठीक है। अब 150 लीटर अगर आपके पास में खेत के स्टार्टिंग में पहुंचा, ये फील्ड है, इस खेत के सबसे हेड पॉइंट पर अगर 150 लीटर पहुंचा, तो क्या ये पूरा का पूरा 150 लीटर आपके पास में यहाँ पर रूट जोन में चला जाएगा? नहीं, हो सकता है कुछ आपके पास में यहाँ पर रन ऑफ की वजह से यहाँ से बाहर चला जाए, और मान लो कि रन ऑफ से कुछ लॉस हो गया। तो मान लो कि रूट जोन में कितना गया, रूट जोन में मान लेते हैं हमारे पास में कितना गया, 100 लीटर गया आपके पास में, ये 100 लीटर रूट जोन में चला गया। अब अगर मैं बोलूं तो क्या रूट जोन में जो 100 लीटर गया है, तो इस पूरे के पूरे रूट जोन का कैपेसिटी 100 लीटर था, क्या रिक्वायर्ड 100 लीटर ही था? बोले नहीं, यहां पर जो रिक्वायरमेंट था वो करीबन 120 लीटर समथिंग का रहा होगा। तो ये कहानी आ गई। तो अब इन सब चीजों को उठा के देखते हैं, और जब इन सब चीजों को उठा के देखें तो सबसे पहला एफिशिएंसी आता है, दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। सबसे पहला एफिशिएंसी ऑफ आता है वाटर, और एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस, वाटर को कन्वे करने की बात हो रही है। कन्वे कहां से करोगे, कैनल से करते हो, कहां तक, फील्ड तक। तो आपने बोला कि यहां से 200 लीटर निकला था, यहां 150 लीटर पहुंचा। अगर मैं आपसे एफिशिएंसी पूछता हूं इसकी, तो आपने बोला एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस, आप इसके हिसाब से बोल दोगे दैट इज योर 150 डिवाइड बाई 200। कहने का मतलब कि आप 200 लीटर आपको वहां से मिला था, बट घर आते आते आपके पास में कितना बचा, 150। तो आपने उस रास्ते की एफिशिएंसी क्या बोल दी, 150 डिवाइड बाई 200। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम डिलीवर्ड टू फील्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल, वॉल्यूम डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल। ये हो गई सबसे पहली एफिशिएंसी। दूसरे एफिशिएंसी की बात करो तो दूसरा आता है आपके पास में, दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, वाटर को अप्लाई करने की एफिशिएंसी की बात करें। तुमने बोला 150 लीटर तुमने फील्ड के हेड पे दिया था, बट क्या पूरा का पूरा फील्ड में पहुंचा? नहीं, तुमने बोला 100 लीटर यहां पर रूट जोन में गया। तो आप बोलते हो कि जो एप्लीकेशन जो आपने इस वाटर का किया, इसकी एफिशिएंसी क्या है? तो क्या आप यहां से बोल सकते हो दैट इज योर ईटा ए इज इक्वल टू ये आपके पास में 100 डिवाइड बाई 150। डिजिट से रिलेट कर पा रहे हो, तो आपके पास में ये बोलना क्या चाह रहा है, 100 क्या है आपके पास में, दैट इज योर वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई ये 150 क्या था, दैट इज योर वॉल्यूम डिलीवर्ड टू फील्ड। ओके, दो एफिशिएंसी हो गई। तीसरा, चलो और आपके पास में, और हम डीप में गए। तो हमने बोला कि यहां पर जो आपके पास में वॉल्यूम एक 100 लीटर स्टोर हुआ है, बट क्या इतना ही रिक्वायरमेंट था? तुमने बोला नहीं सर, रिक्वायरमेंट तो 120 का था। तो तीसरा आया आपके पास में, दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज,
और जब तीसरा आया एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, तो इसको आपने दिखाया ईटा एस इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, स्टोर कितना हुआ 100, रिक्वायर कितना था 120, आपने बोल दिया 100 डिवाइड बाई 120। ये लिखा क्या है इसका मतलब, दैट इज योर वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन रूट जोन, इज इट ओके। फोर्थ नंबर की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज के बाद आता है फोर्थ, कि क्या यहां पर जितना ये वाटर यहां पर तुमने फील्ड में डिलीवर किया था, फील्ड के हेड पे जो 150 लीटर पहुंचाया था, क्या ये पूरा का पूरा आपके पास में वाटर इस प्लांट ने यूज किया होगा। तो तुम बोलते हो ऐसा जरूरी नहीं, मान लो कि यहां पर पूरे के पूरे जितना भी तुमने ये 150 लीटर पहुंचाया था यूज, मान लो कि इस प्लांट ने कितना किया 90 लीटर, तो तुम बोलते हो फोर्थ दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। और जब एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज बोला तो ईटा यू से दिखाया, और तुमने यहां पर बोल दिया दैट इज योर 90 डिवाइड बाय 150, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, कहना क्या चाहता है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, डिवाइड कर दिया आपने दैट इज योर वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड, आपने बोल दिया कि जो वॉल्यूम फील्ड में डिलीवर हुआ है, ओके। एंड सबसे लास्ट में आता है दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे लास्ट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट का कि एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैंने बोला कि यहां पर जो आपके पास में ये इंटर किया था वाटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो क्या सभी में बराबर डेप्थ तक यहां पर पानी ये गया होगा? नहीं, अलग अलग डेप्थ तक गया होगा। तो आपने बोला कि वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का एफिशिएंसी क्या है, तो तुमने बोला दैट इज ईटा डी इज इक्वल टू 1 - d/d × 100 से इसको रिप्रेजेंट करते हो। जहां पर आपके पास में कैपिटल डी क्या है, दैट इज योर एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एंड स्मॉल डी क्या है, दैट इज योर एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ deviation from average depth of penetration, that is your D। और example और सुन लीजिए last इसका, कि suppose मान लो starting point पर आपके पास में गया है कुछ इस depth तक, suppose this one is your 2 meter, last point पर आपके पास में गया है that is your 1 meter, और यहाँ पर efficiency of distribution बोलेगा, so that is equal to 1 - d/d × 100, okay। सबसे पहला कैपिटल डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा एवरेज, तो दिस वन इज योर 2 + 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू योर 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो ये हो गया आपके पास में एवरेज डेप्थ 1.5। अब डेविएशन देखो तो ये कितना है -0.5, ये तो कितना डेविएट है +0.5, सो आपके पास में डी क्या हुआ दैट इज योर +0.5 + 0.5 - / 2 एंड दैट इज इक्वल टू योर 0.5। वैल्यू यहां पर पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा 1 - d/d × 100, ईटा डी निकल आएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो आपके पास में यहां से यहां में आप कौन सा कवर हुआ, वाटर कन्वेयंस। यहां से फील्ड की बात करी तो वाटर एप्लीकेशन। जब कन्वेयंस एफिशिएंसी की बात करोगे तो कैनल से कन्वे करने की बात कर रहे हो, किसी भी चीज से कैनल करने, आप किसी भी चीज से वहां पर इसको कैरी करने की बात कर रहे हो, तो आपके पास में वहां पर जो भी लॉस कंसीडर हो रहे होंगे वो यहां पर इंक्लूड हो गए। जब फील्ड की बात करी तो वो वाले लॉस कहां पर इंक्लूड हो गए, यहां पर इंक्लूड हो गए, इज इट ओके। तो ये था आपके पास में एफिशिएंसी ऑफ, आपके पास में इरिगेशन एफिशिएंसीज़।